क्या आप राइस मैन को जानते हैं, जिसने दिया दुनिया को चावल? साधारण बच्चा कैसे बना राइस मैन? आपने अब तक कई लोगों के बारे में सुना होगा, जैसे आयरन मैन, स्पाइडर मैन, यहाँ तक कि पैडमैन तक का नाम सुना होगा। लेकिन क्या आपने राइस मैन का नाम सुना है? जी हाँ, राइस मैन यानी कि वो शख्स जिसने चावल को दुनिया से रूबरू कराया और आज दुनिया का हर देश उनके द्वारा विकसित किए गए चावल को खाता है। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं, एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला लड़का कैसे बना दुनिया के लिए राइस मैन। 19वीं सदी का दौर था, उस समय देश में कृषि और किसानों के हालात बेहद खराब थे। देश अनाज की कमी से जूझ रहा था और लोग दाने दाने को मोहताज थे। लोगों के पास आज के जमाने के तौर पर खाने के ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं थे, लेकिन गेहूं तो था, जिसका ज्यादा हिस्सा अंग्रेज टैक्स के तौर पर ले लेते और विदेश भेज देते। ऐसे में भारत का किसान जौ, मक्का, बाजरा जैसे अनाज पर निर्भर था। लेकिन 22 अगस्त 1935 को पंजाब के जालंधर जिले के फिल्लौर तहसील के रुकी गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता किशन सिंह कुंडर ने बच्चे का नाम रखा गुरुदेव सिंह खुश। पिता किशन सिंह कुंडर गांव में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की थी। पढ़े लिखे होने की वजह से किशन सिंह का गांव में बेहद मान सम्मान था। किशन सिंह अपने कारोबार के साथ साथ गांव के लोगों के कई काम संवारते थे और इलाके की भलाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। गुरुदेव सिंह भी पढ़ लिखकर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया में मान सम्मान और शोहरत पाना चाहते थे। लिहाजा उनका सपना डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना था। वो रोज 6 मील पैदल चलकर खालसा स्कूल बंडाला में पढ़ने जाते थे। स्कूल जाने से पहले और बाद में वो खेतों के काम में हाथ बटाते थे। बंडाला स्कूल से पहले स्थान पर रहते हुए 10वीं पास की। इसके बाद जब उन्होंने पिता के समक्ष डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हुए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की बात रखी तो उन्होंने मना कर दिया। पिता चाहते थे कि खेतीबाड़ी कॉलेज में दाखिला लूं, जिससे कि किसानों के लिए कुछ कर सकूं। उस समय देश में कृषि और किसान के हालात बेहद खराब थे। पिता की इच्छा के अनुरूप ही 10वीं करने के बाद लुधियाना स्थित सरकारी खेतीबाड़ी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से 1955 में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ली। उनका प्रमुख विषय प्लांट ब्रीडिंग था। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की सोची, लेकिन आसान नहीं था। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि अमेरिका के टिकट खरीद सके। ऐसे में परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से कुछ पैसे जुटाकर पहले इंग्लैंड पहुंचे, जहां करीब 1.5 साल तक मेहनत मजदूरी करके इतनी धनराशि जुटाई जिससे कि अमेरिका की टिकट और यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सके। उनकी कोशिशें रंग लाईं और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी डेविस में वर्ष 1957 में एमएससी जेनेटिक्स में दाखिला मिल गया। यहां उन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की। पहले 2 सेमेस्टर में ही उनके ग्रेड इतने अच्छे आए कि उनके प्रोफेसर ने एमएससी किए बगैर ही सीधे पीएचडी करने की स्वीकृति दे दी। वर्ष 1960 में उन्होंने जेनेटिक्स में पीएचडी की। पढ़ाई के बाद उन्हें उसी यूनिवर्सिटी में नौकरी भी मिल गई और यहीं से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। डॉक्टर खुश कहते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी भी अपने डॉक्टर बनने के सपने को पीछे मुड़कर खेतीबाड़ी की पढ़ाई करने का अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि पिता की दिखाई राह पर चलकर जिन बुलंदियों को उन्होंने हासिल किया, शायद वो डॉक्टर बनने पर हासिल न कर पाते। उनका मानना है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं और उनका हित सबसे ऊपर रखते हैं, भले ही बच्चों को ऐसा महसूस न हो। हालांकि कभी कभी उनके मत और नियम ऐसे भी हो सकते हैं जो देखने में पक्षपातपूर्ण और गलत लगे। आगे चलकर खुश राइस ब्रीडर बन गए, क्योंकि IRRI में हर कोई चावल पर काम करता था। यहीं पर खुश द्वारा पैदा की गई धान की किस्में, विशेष रूप से IR36 और IR64 ने सभी को प्रभावित किया। IR36 मई 1976 में जारी किया गया था और 1980 के दशक के दौरान सालाना 11 मिलियन हेक्टेयर में लगाया गया था। किसी भी प्रकार की खाने वाली फसल, यहां तक कि धान को भी इससे पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं बोया गया था। खुश एक ब्रीडर के रूप में IRRI में शामिल हुए थे। प्रशासनिक पदों में बहुत कम रुचि दिखाते हुए वो फरवरी 2002 में रिटायर्ड हुए। उनके नेतृत्व में 75 देशों में कुल 328 चावल ब्रीडिंग लाइनों को 643 किस्मों के रूप में जारी किया गया था। इनमें से कई, जिनमें IR42, IR72 शामिल हैं, व्यापक रूप से बोए गए थे। इसका असर ये हुआ कि 1966 और 2000 के बीच
वैश्विक चावल उत्पादन 257 मिलियन से 600 मिलियन टन तक बढ़ गया। अगर धान बोने के लिए उपयोग वाले खेतों की बात करें तो इसमें 20.6% की वृद्धि की दर्ज की गई। आज भारत के डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश को लोग राइस मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से दुनिया में धान की 300 से ज्यादा किस्में ईजाद की। कृषि के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को भूखे पेट कभी नहीं सोने दिया। इसलिए उन्हें धान के क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उन्हें लोग राइस मैन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।